देवी माँ के कारिंदे मशहूर ठग, हिंदुस्तानी ठग कैसे लूटते थे। पूरी वीडियो देखने से पहले लीडर टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरियाल राणा। ठग का लफ्ज सुनते ही लोगों के दिमाग में एक ऐसे चलाक और मकार आदमी की तस्वीर उभरती है जो लोगों को बड़ी ही चालाकी से झांसा देकर कीमती सामान लूट लेता है। लेकिन 19वीं सदी में इंडिया में जिन ठगों का अंग्रेजों से वास्ता पड़ा था वो कोई मामूली लोग नहीं थे। लेकिन 1939 में इन ठगों पे एक किताब भी लिखी गई थी जिसका नाम था कन्फेशन ऑफ अ ठग। इस किताब के मुसन्निफ पुलिस सुपरिटेंडेंट फिलिप मिडोज टेलर थे। 550 सफात पर मुश्तमिल ये किताब ठगों के एक सरदार अमीर अली खान का कन्फेशन था। ये किताब आज से तकरीबन 60 साल पहले छप गई थी। टेलर का कहना था कि अमीर अली खान जैसे सैकड़ों सरदार थे जिनकी सरपरस्ती में ये ठगी का धंधा चल रहा था। अमीर अली खान से टेलर ने जब ये पूछा कि तुमने आज तक कितने लोगों को कत्ल किया तो अमीर अली खान ने मुस्कुराते हुए ये कहा, अरे साहब मैं तो पकड़ा गया, नहीं तो 1000 पार कर लेता, आप लोगों ने 719 पर ही रोक दिया। ठगी का आलम तो ये था कि अंग्रेजों को इनसे निपटने के लिए एक अलग से महकमा बनाना पड़ा। टेलर का ये भी कहना था कि ओद से लेकर दक्कन तक ठगों का जाल फैला हुआ था। उन्हें पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि वो लोग बहुत खुफिया तरीके से काम करते थे। उन्हें आम लोगों से अलग करने का कोई तरीका समझ में आ ही नहीं रहा था। वो लोग अपना काम बहुत ही अच्छी मंसूबा बंदी और बहुत चालाकी से करते थे ताकि किसी को भी इन पर शक ना हो। अब बात करते हैं ठगों की पुरइसरार जिंदगी पर। हाईवे रोबर्स और मास मर्डर जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया था। इन कलट के अपने ही रस्मों रिवाज, रिवायात, तौर तरीके और असूल थे जिनका ये लोग मजहब की तरह पासदारी करते थे। इनकी अलग ही अपनी एक खुफिया जुबान थी जिसमें वो बातचीत करते थे और इस जुबान को रुमासी कहा जाता था। इंडिया में ठगों की कमर तोड़ने का सेहरा मेजर जनरल विलियम हेनरी स्लीमन को दिया जाता है जिन्हें अंग्रेज हुकूमत ने सर के खिताब से भी नवाजा था। स्लीमन का कहना था कि ठगों के इस ग्रोह में हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे। ठगी की शुरुआत कैसे हुई ये बताना नामुमकिन है, लेकिन ऊंचे रुतबे वाले शेख से लेकर खानाबदोश मुसलमान और हर जात के हिंदू इसमें शामिल थे। ये ठग हर काम करने से पहले मुहूर्त निकालते थे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। ठग शुभ मुहूर्त देख के पूजा पाठ करके अपने काम पर निकलते थे जिसे जुताई पर जाना कहा जाता था। ठगी का मौसम दरगाह पूजा से लेकर होली तक के दरमियान का होता था। तेज गर्मी और बारिश में रस्तों पर मुसाफिर भी कम मिलते थे और काम करना मुश्किल हो जाता था। अलग अलग ग्रोह अपने अकीदे के हिसाब से मंदिर में दर्शन करने जाते थे। ज्यादातर ठग ग्रोह काली माता की पूजा करते थे। इसके अलावा वो हर अगले कदम से पहले शगुन और अपशगुन का विचार करते थे। उल्लू के बोलने, कौवे के उड़ने, मोर के चलने, लूमड़ी के दिखाई देने जैसी हर चीज का वो अपने हिसाब से मतलब निकालते थे। जताई पर जाने से 7 दिन पहले साता शुरू हो जाता था। इस दौरान ठग और इनके खानदान के अरकान खाने पीने, सोने उठने और नहाने, हिजामत वगैरह बनाने के मामले में कड़े असूलों का ख्याल रखते थे और साता के दौरान किसी से मेल जोल और एक दूसरे के घर भी आ जा नहीं सकते थे। इस दौरान कोई भी दान या बलि नहीं दी जाती थी और यहाँ तक के कुत्ते बिल्ली जैसे जानवरों को भी खाना नहीं दिया जाता था। जताई से लौटने के बाद पूजा और खैरात जैसे काम किए जाते थे और इसी तरह अटव के असूलों का एहतराम होता था। यानी के ठगों का ये मानना था कि काम पर निकलने से पहले पूरी तरह तैयार होना बहुत ज्यादा जरूरी था। ग्रोह के किसी ठग के घर में कोई पैदाइश या मौत होने पर 10 दिनों के लिए, पालतू जानवरों की मौत पर 3 दिन के लिए और इसी तरह जन्म होने पर 7 दिन के लिए या तो पूरा ग्रोह रुक जाता था या वो ठग काम पर नहीं जाता था जिसके खानदान में जन्म या मौत हुई थी। ठगों के लिए गढ़ा खोदने वाली कस्सी की अहमियत थी क्या? मारे जाने वाले लोगों की कब्र जिस कदाल से खोदी जाती थी इसको कस्सी कहा जाता था। कस्सी इन लोगों के लिए सबसे ज्यादा अहमियत की चीज थी
और ये कस्सी की पूजा भी करते थे। कस्सी को पूजा के लिए तैयार कैसे किया जाता था? एक साफ सुथरी जगह पर थाली में पानी से कदाली को धोया जाता था। फिर पूजा का तरीकाकार जानने वाला ठग बीच में बैठता था और बाकी ठग नहा धोकर साफ सुथरे होकर उसके चारों तरफ बैठ जाते थे। कदाली को पहले गुड़ के शरबत और उसके बाद दही के शरबत और आखिर में शराब से नहलाया जाता था। फिर तिल और फूलों से इसकी पूजा की जाती थी। फिर कदाली की नोक पर सिंदूर से सात टीके भी लगाए जाते थे। इस कदाली से एक नारियल भी फोड़ा जाता था। जब नारियल फोड़ा जाता था तब सारे ठग मिलकर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान जय माता दी कहते थे। ठगों में एक कहानी बहुत ज्यादा मशहूर थी कि इनमें कदाल देवी की बहुत ज्यादा मेहरबानी थी। ठग अपने असूलों के पाबंद थे। पहला असूल ये था कि कत्ल करते वक्त एक भी खून का कतरा नहीं बहना चाहिए। दूसरा असूल ये था कि किसी भी औरत या बच्चे को किसी भी हाल में नहीं मारा जाएगा। तीसरा असूल ये था कि जब तक माल मिलने की उम्मीद ना हो उस शख्स को कत्ल नहीं किया जाएगा। टेलर का कहना था कि अमीर अली खान को अपने किए हुए पर कोई भी पछतावा नहीं था। ठगों का ये मानना था कि दूसरे शोबों की तरह किसी को ठगना भी एक शोबा है, इसीलिए उन लोगों के दिलों में कोई भी दुख या पछतावा नहीं था। राहगीरों को ठगने का आखिर तरीका था क्या? ठगों के एक ग्रोह में 20 से लेकर 50 तक के लोग होते थे। वो आम तौर पर 3 दस्तों में चलते थे, एक पीछे, एक दरमियान में और एक आगे। इन तीनों दस्तों में तालमेल के लिए हर टोली में एक दो लोग थे। वो अपनी चाल तेज करके या धीमी करके या फिर एक साथ चलते भी थे। ज्यादातर ठग कई जबानें, गाना बजाना, भजन, कीर्तन, नाथ, कुआली और हिंदू मुसलमान दोनों मजहब के तौर तरीके अच्छी तरह से जानते थे। वो जरूरत के मुताबिक यात्री, बाराती, मजार के जायरीन या नकली जनाजा निकालने वाले बन जाते थे और एक रस्ते में वो कई बार अपना रूप भी बदल लेते थे। और जाहिर है कि वो भेस बदलने में भी काफी माहिर थे और चलाक तो इस कदर थे कि अपने शिकार को जरा भी भिनक नहीं लगने देते थे। और ठगों के सरदार तो पढ़े लिखे और इज्जतदार दिखाई देते थे। अमीर अली खान ने तफसील से बताया है कि कैसे वो बड़े सेठों और मालदार लोगों से जरूरत के हिसाब से कभी किसी नवाब के सिपा सालार की तरह मिलता था, कभी मौलवी की तरह तो कभी यात्री का रूप धार कर पंडित की तरह। अमीर अली खान ने बताया कि ठगों के काम बांटे हुए थे। सोठा गिरोह के सबसे समझदार रुकन लोगों को बातों में फंसाने वाले लोग थे जो शिकार की ताक में सराय के आसपास मंडलाते रहते थे। वो आने जाने वालों की टो लेते थे, फिर इनके माल असबाब और हैसियत का अंदाजा लगाते थे, इसे अपने चुंगल में फांसते थे। अमीर अली खान के ग्रोह का सोठा गोपाल था जो बहुत होशियारी से काम करता था। शिकारी की पहचान करने के बाद ये लोग धीरे धीरे से उसके पास आते थे और आहिस्ता ही आहिस्ता अपनी तादाद बढ़ाते जाते थे, लेकिन शिकारी को शक नहीं होने देते थे। ये बहुत सब्र का काम था और गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। अमीर अली खान ने ये भी बताया कि कई बार तो हफ्ता 10 दिन आराम से लग जाते थे। अगर किसी गड़बड़ का अंदेशा होता तो वारदात टाल दी जाती थी। ठगों के इन 3 दस्ते के अलग अलग काम थे क्या? सबसे आगे चलने वाले दस्ते में बोल यानी कब्र तैयार करने वाले लोग थे। इन्हें दरमियान वाले दस्ते में से कड़ी का काम करने वाला बता दिया जाता था कि कितने लोगों के लिए कब्र बनाई जाए। पीछे वाला दस्ता नजर रखता था कि कोई खतरा इनकी तरफ तो नहीं आ रहा। आखिर में तीनों बहुत पास पास आ जाते लेकिन इसकी खबर शिकार को नहीं होती थी। इसके बाद जमीन हमवार करके उस पे झाड़ियां लगा दी जाती थी ताकि कोई भी जंगली जानवर आकर वहां से जमीन ना खोदे और लाश ना खा जाए। अमीर अली ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश में अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था। ज्यादातर लोग उसे सौदागर या जमींदार समझते थे। साल के 7-8 महीने तक वो एक इज्जतदार मुसलमान की तरह अपनी जिंदगी गुजारता था और आखिर में जतोई करने चला जाता था। ठगों ने घोड़े और हाथी खरीदने वाले सिपा सालार और उनके 6 साथियों को भी मार डाला था। गुजरात के इलाके में अब ठगों का सफाया हो चुका है। अमीर अली खान के बारे में एक बात ये भी मशहूर है कि इन्होंने ठगने के लिए
अपने बाप के एक दोस्त को बेदर्दी से मार डाला था। अमीर को गोद लेने वाले ठग बाप से ठगी का सबक मिला था, इसीलिए वो लोगों को ठगना एक नेक काम समझता था। आप लोग भी अपने इर्द गिर्द मौजूद ठगों से होशियार रहें। लीडर टीवी को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।